लड़के काफ़ी शर्माते हैं, हमारे यहाँ इतना सोशली इंटरेक्शन डेटिंग वगैरह होता नहीं, तो ऑकवर्ड होते हैं काफ़ी लड़के। सब लोग इंडिया में बोलते हैं कि इंडिया IIT IIM की पागल है, राइट, बट इंडिया के उससे बड़ा ऑब्सेशन है, उनका सबसे बड़ा ऑब्सेशन है शादी। Right. सिर्फ आपको छोड़ के आपकी करवानी है। अरे क्यों भाई, मेरे को ये क्या है। बट इंडिया का सबसे बड़ा ऑब्सेशन है शादी। आप देखो क्यों, आपकी क्यों मैं बताता हूँ। देखो इंडिया में क्या है ना, आप देखोगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और हम क्यों सॉल्व करने निकले shaadi.com का प्रॉब्लम, why did I start shaadi.com, क्योंकि इंडिया में हमारा कल्चर अलग है। वेस्ट में क्या होता है, दो लोग मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन अगर होता है, इफ़ यू फॉल इन लव यू गेट मैरिड। इंडिया में इट इज़ नॉट एन इफ क्वेश्चन, इट इज़ अ व्हेन क्वेश्चन। हमारे स्टेजेस होते हैं लाइफ के, बराबर है, हमारे कल्चरल, आप पढ़ लो, यू नो, ऑल आर बुक्स विल टॉक अबाउट इट, हमारे धर्म के बारे में पढ़ लो, कि सेकेंड स्टेज होता है घर गृहस्थी। और घर गृहस्थी आप अकेले नहीं कर सकते हो, तो ये लाइफ की स्टेजेस होती है जब तक आप संन्यास तक नहीं पहुँचते। ठीक है, तो इट इज़ अ व्हेन क्वेश्चन। तो वो आजकल थोड़ी बढ़ गई है, 24 और 32 के बीच में बड़ा प्रेशर आता है सब पे। और लड़कियों का यही रोना है इंडिया में कि लड़के अच्छे नहीं मिलते, उस लड़के काफ़ी शर्माते हैं, हमारे यहाँ इतना सोशली इंटरेक्शन डेटिंग वगैरह होता नहीं, तो ऑकवर्ड होते हैं काफ़ी लड़के। लड़कियाँ बल्कि और ओपन और बोल्ड होती है, और वो और लड़के लेट पीक करते हैं, लाइफ उनकी बनती है 35 के बाद। ठीक है, और लड़कियां चाहती है कि यू नो अपनी उम्र के पास का सक्सेसफुल लड़का मिल जाए, तो उन्हें तकलीफ रहती है। तो इसीलिए आप 25 साल के हो, सक्सेसफुल हो, अच्छे पैसे बनाते हो, तो क्यों उनको डिप्राइव कर रहे हो लड़के? अरे ये क्या ये पॉडकास्ट गलत जगह जा रहा है। यू हैव अ वैलिड पॉइंट, इंडिया में स्टेजेस चलती है और बाहर कल्चर होता है। पर मतलब आई वाज गोना आई विल कंप्लीट दिस थिंग कि पहले तो इंडिया का ऑब्सेशन है शादी, राइट, तो पहले क्योंकि IIT जाओ या नहीं जाओ शादी करनी है, हर माँ बाप को अपने बच्चों की शादी करानी होती है। इनफैक्ट इन tier 2 tier 3 सिटीज यू गो, पीपल ओनली अर्न कि एक दिन बच्चों की शादी कराएंगे, राइट, दैट्स फन। जब आपने रियलाइज किया कि शादी तो हो गई, नेक्स्ट उनका ऑब्सेशन क्या होता है? सबसे बड़ा ऑब्सेशन होता है घर लेना। इंडिया में US में कल्चर है कि रेंट पे रहो, इट्स नॉट बाइंग वर्सेस रेंट। तभी हमने मकान.com आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया, राइट, और इसीलिए हम ब्रांड भी ऐसा रखते हैं shaadi.com, मकान.com, मतलब एक बार जहन में बैठ गया ना तो और कोई आपको रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली, तो shaadi.com, मकान.com। फिर मैं तीसरी चीज पढ़ रहा था, मतलब कि अब जो तीसरा ऑब्सेशन है आपकी सास बहू जो भी ये सब बोलने लग जाते हैं आपके घर में कि शादी बच्चा करो, बच्चा करो, राइट, एंड देन यू स्टार्टेड मौज, चलो गेम खिलाओ लोगों को, बिल्कुल। तो आपने तीनों ऑब्सेशन पकड़े एंड योर टैम इज लाइक द कंट्री, एंड दैट्स वेरी स्मार्ट। आई डोंट नो इफ दैट वाज द रीजन और नो, बट इट वाज स्मार्ट है। हाँ नहीं, इट वाज अ रीजन, ऑफ कोर्स हमारा टाइमिंग थोड़ा गलत था। मकान.com तो नाउ यू नो इज ग्रोन वेल, वी हैव सोल्ड द कंपनी, तो हमने काफ़ी शुरू किया था ये सब। देखिए हमने इंटरनेट कंपनीज तब शुरू करी, तब इंटरनेट ही नहीं था। हाँ, तो ये सब चीज़ें हमने सही पकड़ी, लेकिन टाइमिंग shaadi.com का सही इसलिए था क्योंकि हम लगे रहे, राइट, तो वी हैड टू मेक अ चॉइसेस। बट ब्रांड थिंकिंग और मार्केट चॉइसेस आई हैव बीन बैंग ऑन। काफ़ी गलतियाँ भी की है, वो तो बंद कर दी तो वो दिखी नहीं। What was the best choice? One decision which you made was best. जिसने change किया सब कुछ। I think to buy the brand shaadi.com. Yeah. उसने सब चेंज कर लिया and to stick with it. तो वो उसने गेम बदल दिया। I think that was one big decision. And I tell you why it works, because I've had my relative who was finding their potential partners on couple of these sites, right? एंड उनकी मॉम बोलती है कि shaadi.com कर ले, तो वो बोलती है कि shaadi.com पे मैं कब से हूँ, तो इट्स लाइक शादी जैसे shaadi.com ही तो है, दो तीन shaadi.com ही कर ले, एंड इट वर्क्स आउट बेस्ट बिकॉज शी कांट प्रोनाउंस अदर नेम्स, करेक्ट करेक्ट, शी कैन प्रोनाउंस शादी, एंड दैट वर्क्ड लाइक, एंड वी यूज्ड इट वेरी वेल इन मार्केटिंग एज वेल। हमने बहुत मेहनत की, इट्स नॉट हैपेंड एक्सीडेंटली, हमने बहुत बारीकी से उसको यूज़ भी किया, अच्छे से मार्केटिंग की। एंड दी अदर थिंग इज मोर देन मार्केटिंग, देखिए वी आर ऑब्सेस्ड विद यूजर
सक्सेस. तो हमारा सारा थिंकिंग यूजर के अराउंड, वी आर नॉट परफेक्ट. आज भी हमारे प्रोडक्ट से बहुत लोग अनहैप्पी होंगे, लेकिन यू नो देयर आर 60 लाख पीपल इन द वर्ल्ड हु हैव फाउंड देयर लाइफ पार्टनर ऑन shaadi.com. तो वो जो वर्ड ऑफ माउथ है वो मतलब यू नो इमीडिएटली वो जाके 10 लोग को बोलते हैं, तो उससे कमाल हो जाता. एंड जो लोग रिसेंटली शादी करते हैं ना, उनका मिशन होता है कि उनके आस वाला सबकी शादी करा दो, क्योंकि हम तो कुएं में कूद पड़े, अभी अकेले क्या करेंगे, सबको लेके कूदो.